अबे यार गन फायर। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आ चुके अपने एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। और कल तुम्हारे भाई ने भाई इतना गंदा गेम प्ले दिखाया था आप लोग को, जिसको देख के आपको पूरा गुस्सा गुस्सा आ गया होगा कि नहीं यार भाई। अब तो बहुत हो गया बेटा, तुमने इतना टट्टी टट्टी गेम प्ले डाल लड़की, मेरा पूरा मूड की ऐसी तैसी कर दी। तो भाई मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम्हारी पेटी वेटी ना बना दूं। ऐसा मत करो यार, सपोर्ट करो फटाफट से, अच्छा गेम प्ले लाने की ट्राई करेंगे। तो आज वाला गेम प्ले बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारे भाई ने जो डीएमआर की थोड़ी सी प्रैक्टिस वैक्टिस तो करता नहीं, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बोर्ड भाई साहब रहते हैं तो इनको निपटा दिया जाए, क्योंकि तुम्हारे भाई के हाथ में था मिनी और 3x। तो उसको निपटाने के बाद अब देखो एक बंदा ऊपर की तरफ चढ़ा रहता, तो चलो उसको भी बजा दिया जाए। कहाँ मारे प्रिंस भाई, चलो बेटा। अब इसको नोक करने के बाद अब यहाँ पे एक बंदा रहता है जो खुले में जाके बोट मारता रहता है, नोक कर दिया। अब उसको फिनिश करेंगे, ट्राई करता हूँ जब तक वो मतलब फिनिश कर देता है। तब यहाँ पे तीसरा बंदा और दिखता है मेरे को यहाँ पे चढ़ा हुआ, इसको थोड़ा एक दो बुलेट पड़े डैमेज दिया मैंने। अब देखो तीसरा बंदा यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ा रहता है, जिसको तुम्हारा भाई वापस से करने वाला है नोक। ये बहुत देर से ऊपर चढ़ के भाई टपा टप कर रहा था, बजा रहा था बंदो लोग को, तो इसको भी बजाना तो बनता है ना बिड़ू। तो चलो तो इसको नोक करने के बाद हम लोग बोलते हैं चलो भाई अब आगे की तरफ पुश करा जाए, क्योंकि तुम्हारे भाई को चाहिए किल विल। तो मैं और प्रिंस भाई दोनों पुश कर देते हैं, मैं थोड़ा पीछे रहता हूँ क्योंकि भाई मैं थोड़ा सा कवर देने की ट्राई करता हूँ। प्रिंस भाई आगे की तरफ रहता है और एक बंदा राइट की तरफ से प्रिंस भाई के ऊपर पुश कर रहा था। भाई मेरे रहते हुए प्रिंस भाई के ऊपर पुश करोगे बेटा। अब इसको निपटाने के बाद अब अंदर की तरफ सिर्फ दो बंदे बचे हुए थे, हमने देखा चलो भाई अब दोनों बंदों को वन ही वन निकालते हैं। तभी एक बंदा लेफ्ट से आता है, लेकिन ये बंदा होता है भाई बोट भाई साहब। तो अब इसको निपटाने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, मैंने देखा चलो भाई अब फटाफट से निपटा दिया जाए। जहाँ तक एकदम गेम सही चल रहा था, लेकिन बस एक गलती मेरी भी और प्रिंस भाई की भी, जिसके पूरा खत्म होने वाला है इस गलती की वजह से। अब एक बंदे को प्रिंस भाई ने नॉक कर दिया था, उसी से मैं हील वील करता हूँ जब तक दूसरे वाले बंदे के ऊपर पुश कर देते हैं प्रिंस भाई और वहाँ पर नॉक खा जाते हैं। अब यहाँ पे नोक खा गए थे, चलो ठीक है। यहाँ पे मैंने भी क्या कर दिया भाई, एडीएस ही नहीं खुला मेरा और नीचे क्राउच भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे तुम्हारा भाई भी नोक एंड करते भाई फिनिश। अब यहाँ पे फटाफट से फिनिश भी हो जाते हैं। फिनिश होने के बाद मैंने देखा भाड़ में गया, यहाँ पे रिकॉल होकर वापस आऊँगा भाई, प्लस वलस तो होते रहेगा इनको, तो भाई मैं पेल करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग जैसे उतरते हैं, प्रिंस भाई ने एक बंदे को कर दिया नोक। अब यहाँ पे नोक करने के बाद दूसरा वाला बंदा नीचे की तरफ ही रहता है, जो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि तुम्हारे भाई की उसकी तो पेटी बनानी है। तो नीचे की तरफ कूदता हूँ, भैया कहाँ निकलने की ट्राई कर रहा है, रिवाइव करने की ट्राई कर रहा था वो बंदा, तो इसको रिवाइव करवा देते हैं हमें। इधर मुन्ने चलो बेटा अब कर दो, जाके आराम से इजिली रिवाइव करो, लोबी में बैठ के दूसरे मैच की तैयारी करो। अब इसको मारे के बाद फटाफट से इसकी पेटी वेटी लूटने लग जाता हूँ। तभी यहाँ पे दो बंदे और आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गाड़ी से आते दो बंदे कूप लेके, तो उनमें से एक बंदे को तुम्हारे भाई ने ऐसे उतार दिया, लेकिन दूसरा वाला बंदा बहुत तेजी में निकलने लग गया था तो वो आगे जाके रुक जाता है। तो चलो उसको ही बजा दिया जाए पहले, तो किल कन्फर्म। अब वो बंदा आगे जाके रुक जाता है, तो मैं बोलता हूँ प्रिंस भाई जल्दी से उधर से आओ, मैं इस साइड से आता हूँ और उसको बजाने की ट्राई करते हैं। ठीक है प्रिंस भाई उस साइड से आते हैं, मैं इस साइड से आता हूँ, वो बंदा रुका हुआ था। तो चलो भाई इसको मारने की ट्राई करते हैं, जब तक तो तुम्हारे भाई ने कुछ किया उससे पहले प्रिंस भाई ने उनको निपटा दिया। ठीक है अब इनको निपटाने के बाद इसकी पेटी में थी भरपूर लूट, मतलब पता नहीं कहाँ से इतना खतरनाक खजाना लूट के आया था बंदे ने। तो फटाफट से इस खजाने में थोड़ा सा हाथ फेर दिया जाए, थोड़ी सी लूट उट कर लिया जाए। तो फटाफट से यहाँ पे लूट उट कर लेते हैं और भाई M4 सब उठा लेता हूँ मैं, और एमओ तो एक भी छोड़ेंगे नहीं F5 की, क्योंकि तुम्हारा भाई यहाँ पे लेने वाला 50 वाला एक्सटेंडेड। और यहाँ पे तभी यहाँ पे दो बंदे और आ जाते हैं, और हम ये सब नहीं करते भाई, बंदों को नोक करने के बाद उसका रिकॉल टाइम होने वाला रहता है, लेकिन अपन मारते नहीं है क्योंकि तुम्हारे भाई के साथ दो तीन बार ऐसा हो चुका है, लेकिन अपन ऐसे नहीं करते भाई, अपन एकदम फटाफट से नॉक एंड फिनिश कर देते हैं। पहले रुको दूसरे वाले बंदे को निपटा देते हैं अपन, पहले ये वाला बंदा तो निपट चुका है, अब इसको फटाफट से फिनिश करते हैं। और अपन भाई फालतू गिरी नहीं करते, कंधे बंदे पे लेके इसका टाइम वेस्ट करने वाला ये वाला काम नहीं करते, क्योंकि देखो अपने को कुछ लेना देना नहीं है भाई। तुम रिकॉल हो जाओ, आराम से तुम्हारा प्लस वलस निकाल लो, अच्छी बात नहीं होती यार किसी का, मतलब कि पकड़ के उसको रखना भाई नोक होने के बाद, उसको जब तक टाइम खत्म नहीं हो जाता उसको भाई मरने नहीं देना, उसका रिकॉल खत्म करवा देना, ये तो अच्छी बात नहीं है। तभी यहाँ पे सामने की तरफ से डायनासोर वाले आ जाते हैं और वापस से यही वाला, हमेशा भाई डायनासोर से हम मर जाते हैं। तो मैं बोला भाई इस बार तो मैं बाहर ही नहीं रहूँगा भाई, डैमेज ही नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं खाना मेरे को, नोक ही नहीं खाना, अंदर की तरफ ही रहना है। अब यहाँ पे दो डायनासोर वाले रहते हैं जो भाई एकदम कुत्ते बिल्ली की तरह हमारे पीछे लग गए थे, समझ रहे हो, एकदम खतरनाक तरीके से, जैसे टॉम एंड जेरी जैसा, लेकिन इतना भाईचारा वाला प्यार नहीं था। तो इनको फटाफट से हम लोग दुलार करते हैं, मतलब कि इनकी पिटाई कर देते हैं। तो चलो अब इनकी पिटाई करने का टाइम आ चुका है, दो दो भाई एक हमारे को देता था, हम तो यार यहाँ पे बंदे ढूंढ ढूंढ के बहुत कुत्ता बना बना के मारते। तो चलो अब मारने की ट्राई करते हैं,
पता नहीं अगर ये अगर इस पे गोली कनेक्ट होना बंद हो जाए ना। एक तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि भाई इसको गोली पड़ रही है या उसको डायनासोर को पड़ रही है। यहाँ पे दोनों डायनासोर को मैं और प्रिंस भाई मिलके फोड़ देते, तभी उनमें से एक बंदा नीचे की तरफ गिर जाता है। अब गिर गया तो भाई वो बंदा हो जाता नोक, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, फिनिश हो जाता है। उसका दूसरा वाला बंदा वहीं पे रहता जो पिक पाक कर रहा था, तो चलो उसको भी बजाते हैं। अब यहाँ पे एक टन दे दिया था, उसके बाद मैं आगे की तरफ पुश करता हूँ क्योंकि वो बंदा निकल ही नहीं रहा था। तभी ऊपर की तरफ से भी बंदे बंदे आने लग जाते हैं। अब देखो यहाँ पे उसको मारने की ट्राई करता हूँ मैं। अब उसको डैमेज देता हूँ, लेकिन ऊपर की तरफ से एक और बंदा आ गया था वो डायनासोर जैसा, मतलब कि उसके बच्चे बच्चे लेके डायनासोर के, तो उसको भी मारने की ट्राई करते हैं। और यहाँ पे उसको मैंने एक हेड दे दिया था, तो भाई वो बंदा उनको, मतलब जो पीछे वाला बंदा था डायनासोर वाला, थोड़ा सा और डैमेज वेमेज करने की ट्राई करता हूँ। अब वो जो सोलो बंदा था उसको वो दो बंदे मिलके निपटा देते हैं। निपटाने के बाद हम लोग बोलते हैं भाई थोड़ी देर तक इधर सर्वाइवल वर्वाइवल कर लेते हैं और इधर से फिर गाड़ी लेके निकल लेते हैं, क्योंकि जोन भाई एकदम कॉर्नर के पास पानी की तरफ कट चुका था। और हमें ऐसी जगह पे जाते हैं भाई जहाँ पे भाई हमारे ऊपर ही जोन रहता है। अब राइट में बंदे थे और यहाँ पे भी बंदे थे, तो चलो भाई अब इन दोनों को मारने की ट्राई करेंगे। अब इसको मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन हम लोग ऐसे जगह फंसे हुए थे क्योंकि हमारे ऊपर हिल पे भी बंदे थे और इस साइड भी बंदे थे। अब इंतजार बस इतना सा था कि भाई जल्दी से जोन कटे और अपन अगला, मतलब कि जो भी अपन को लेना है वो लेंगे। तो अगला वाला जोन जो कटता भाई हमारे फेवर में कटता, क्योंकि हमारे ऊपर आ जाता है जोन और पीछे वाला बंदा मतलब कि निकलता रहता गाड़ी लेके। तो एक दो बुलेट उसको मारने की ट्राई करता हूँ, देता भी एक दो बुलेट लेकिन उतना कुछ हो नहीं पाता, ठीक है। फिर ऊपर वाला बंदा भी हमारे ऊपर ही ध्यान रख रहा था, सबके सब भाई हमारे ऊपर ही ध्यान थे। अब यहाँ पे कुल मिला के अच्छे खासे बंदे बचे हुए थे, तो सबसे पहले सामने एक तरफ फाइट हो रही थी, ये बंदा डैमेज था तो इसको हमने निपटा दिया। अब यहाँ पे कुल मिला के पाँच बंदे बचे हुए थे, एक तो सामने था जिसने अब इनको मारा था और दो बंदे ऊपर रहते, जिनमें से एक बंदे को ऊपर वाला बंदा निपटा देता है, ठीक है। हम लोग तो भाई यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाते। अब जैसे उसको निपटा देता था, ये पीछे वाला बंदा गया डांसे लेके जोन में आने लग जाता, क्योंकि उनके ऊपर जोन नहीं रहता। ये तो मिराडो थी भाई, और ये बंदा पता क्या करता, कूद के मर जाता है। अब बचा हुआ था लास्ट बंदा, हम कोई गलती करना नहीं चाह रहे थे क्योंकि हमारे पास जोन था ऑलरेडी, तो कोई गलती का चांस ही नहीं था, क्योंकि भाई एक दो गलती के वजह से भाई इजीली चिकन डिनर हमारा छूट चुका है। तो इस बार हमने सोचा कि भाई एक भी गलती नहीं करेंगे, इजीली आराम से चिकन डिनर निकालेंगे। और भाई प्लस की बात ये थी कि भाई उस हमारे को उस बंदे की लोकेशन भी पता थी। तो चलो भाई अब यहाँ पे फटाफट से ग्रेनेड की बारिश कर दिया जाए और उस बंदे को नहला दिया जाए ग्रेनेड से, क्योंकि ग्रेनेड तुम्हारा भाई पांच पांच उठाता है। लेकिन तुम्हारे भाई के ग्रेनेड से पहले प्रिंस भाई ने को एनिमी दिख जाता और निपटा देता उसको, चिकन डिनर ले जाता है। एक किल और कर लेता तो तुम्हारे भाई का भी 10 किल हो जाता है यार, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले बात करते प्लस की, तो अच्छा खासा प्लस हो गया होगा, 22 प्लस हुआ भाई इतना, मतलब किल विल करने के बाद भाई। उससे पहले परसों वाला जो मैच था उसमें तो बढ़िया प्लस हो गए थे। तो यही था आज से गेम प्ले, पहले अपन जाके रैंकिंग में आपको वो दिखा देते हैं, रैंकिंग में आपको दिखाते कि कौन करके लिए कितना प्लस चाहिए, तो वो भी दिखा दिया जाए फटाफट से। चलो भैया जल्दी से सीजन पर टच करो, अब दिखाओ प्लस कितना चाहिए। तो कुछ 395 प्लस चाहिए, तो जल्दी से जल्दी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही था आज से गेम प्ले, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा उसे कमेंट कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं कल शाम 7 बजे एक और बुमबार धमाकेदार गेम प्ले के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने फैमिली का ध्यान रखो, तुम्हारे भाई का चैनल का भी ध्यान रखो। तो लव यू, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट एंड बाय। इधर आ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ।